नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आए हुए हैं इको पार्क में और यहाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और देखिए, हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं और बहुत ही सभी लोग खुश हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और सभी बोल रहे हैं, हम लोग ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और खूब इंजॉय किए हम लोग और संडे का दिन था और सभी लोग बहुत अच्छे से अपना दिन को इंजॉय किए और खूब मस्ती किए। और बहुत आजकल हरियाली देखने को मिलता नहीं है और इस तरह से इस पार्क में हम लोग अपने आप को रिचार्ज कर लिए आकर। और हरियाली देखकर किसको खुशी नहीं होती है, तो यहाँ पे सभी लोग के। और ये फूल भी देखिए, चारों तरफ बसंत ऋतु की जो सुंदरता होती है, सरसों का फूल, गेंदा का फूल और चंपा का फूल, ये देखकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं और सेल्फी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये सुरंग में अंदर जाते हैं और अब हम लोग फाउंटेन के पास आ गए हैं। पीछे देखिए पानी का कितना सुंदर फवारा है और यहाँ लोग झूमने को विवश हो जाते हैं और घूमते घूमते लोग थक गए तो एक जगह बैठकर कुछ रिफ्रेशमेंट हुआ और खाना पीना हुआ और लोग खूब एंजॉय किए। और इतने खूबसूरत लोकेशन पर लोग ने खूब सारे फोटोग्राफी ली और इस क्षण को एक यादगार दिन के रूप में हम लोग बिताए। और बहुत कम क्षण होता है आजकल के समय में, भाग दौड़ के समय में लोगों को मिलने जुलने का, तो आप लोग भी जाइए और घूमिए। ये इको पार्क पटना बिहार में है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ आपको बच्चों के लिए झूला और राइड, स्केटिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अगर बच्चे यहाँ आते हैं तो बहुत आनंद लेंगे और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर, तो आ सकते हैं। जिस तरह से आज का दिन हम लोगों ने एंजॉय किया, आप लोग भी आकर यहाँ पर एक खूबसूरत शाम व्यतीत कर सकते हैं। और एक यादगार दिन के रूप में बिता सकते हैं। तो बहुत ही हरा भरा और यहाँ बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। ये देखिए पीछे लोग बोट चला रहे हैं और यहाँ स्पोर्ट्स के लिए लोग बैट्स बॉल घर से लाते हैं और खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तरह तरह के गेम यहाँ पर लोग खेलते हैं। और ये देखिए लोगों ने मोमोज खाया सब मिलकर और कॉफ़ी पिए। और अब हम लोग पिकनिक के अंतिम दौर पे हैं और हम लोग इसके बाद घर के लिए निकल गए।
और ये देखिए कुछ क्षण हम लोगों ने अंतिम में भी फोटोग्राफी ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।